हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसपी जैन जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 1968 एंड टाइम ऑफ बर्थ इज 12 इन द आफ्टरनून। तो देखते हैं जैन साहब को जिंदगी से क्या चाहिए। जी जैन साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? ये टाइम लगता है सब कैसा है? वैसे आप काफी अच्छा, मतलब आपका एक आर्टिस्ट की तरह ही आपका स्टाइल होता है काम करने का। थैंक यू। मतलब वैसे मैं फिल्म प्रोडक्शन के अंदर मैं फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि भी जैसा आने वाला जो टाइम है वो कैसा है, और मेरे कुंडली में जैसे मतलब यश चोपड़ा, शाहरुख खान इस टाइप का कुछ नाम है, और अभी आने वाले एक दो साल कैसे रत्न क्या क्या धारण करने चाहिए। मैंने मुखराज धारण किया हुआ है 7.5 प्रति का, गुंगा और मानिक भी मैंने धारण किया हुआ है जी। हीरा मैं धारण कर सकता हूँ क्योंकि ये मतलब 12th हाउस में है। बिल्कुल, मैं अभी बता देता हूँ जैन साहब आपको, और मोटिवेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए नंबर पे बात में मुझे काम है जी, मैंने कहा मोटिवेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आपकी सबकी गुड विशेज ही है जो प्रोग्राम चल रहा है। सबसे पहली क्वालिटी, आप जो करते हैं दिल से करते हैं। दूसरा, आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग कन्वेंसिंग, यानी आप जिस तरह से डायरेक्शन करते हैं तो कोई न्यू कमर को भी आप एक्टर बना ही देते हैं। बता दूं, मैं अभी मेरा नाम आपको पूरा नहीं मालूम है, लेकिन जितने टॉप के डायरेक्टर्स हैं इंडस्ट्री में वो सब लोग मेरे से सीख सीख करके बहुत सी चीजें मतलब फिल्मों में बताते हैं। कई बड़ी हिट फिल्मों में जितने डायरेक्टर को आपने काम देखा होगा जी, उन लोगों को मैं मतलब बैक ऑफ द सीट, क्योंकि उन लोग को फाइनेंस भी मैं करता हूँ बहुत से लोगों को, वंडरफुल, पीछे से जो है उन लोग को डायरेक्शन देता हूँ वो डायरेक्टर। बिल्कुल, ये जानते हो क्योंकि जैन साहब ये आपकी पहली क्वालिटी है, 10 out of 10 फॉर योर इंटेलेक्ट, 10 out of 10 फॉर योर नॉलेज, 10 out of 10 फॉर योर टीचिंग ट्रेनिंग कन्विंसिंग एबिलिटी, इंट्यूशन भी 10 में 10 है। पुखराज बिल्कुल सही सोना आपने पहना हुआ है, राशि का मालिक है लग्नेश है, आपने रूबी भी ठीक पहना है क्योंकि वो भाग्यस्थान का मालिक है, और देखिए डिजायर बढ़ जाते हैं, और देखिए ग्लैमर इंडस्ट्री में वो जाता है जिसका शुक्र थोड़ा स्ट्रांग हो, क्योंकि वो क्रिएटिव है तो वो डिजायर भी बढ़ाता है। शुक्र 12वें घर में है, 11th लॉर्ड है, सूर्य का डिस्पोजिटर जरूर है, लेकिन वो 6ठे घर का भी मालिक है। तो आप डायमंड ना पहने, उसे चाहे परफ्यूम लगाइए, बिंदास रहिए, वैसे भी माया नगरी में आप जरूर हैं, और ये एक अच्छी बात है। और देखिए, इट इज ए ब्यूटीफुल हॉरोस्कोप। मैंने जैसे कहा था कि एक न्यू कमर को भी एक्टर बना देंगे, डायरेक्टर बना देंगे, और जैसे आपने खुद कहा कि खुद भी आपने इतने बड़े बड़े लोगों को ट्रेन किया है, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू। और मैं आपको बता सकता हूं, जो आपने रिकॉग्निशन की बात करी थी, एज पर जमीनी सूत्र चंद्रमा आपको फेम दे सकता है बिकॉज ऑफ योर टैलेंट, गुरु आपको फेम दे सकता है बिकॉज ऑफ योर जुपिटर, यानी आपका केयर, आपकी नॉलेज और आपकी इंटेलेक्ट, ये आपको क्लियरली डिफाइन कर रही है कि आपको फेम होगा एवर लास्टिंग। और जितनी मैंने आपको क्वालिटी बताई, मुझे लगता है जैन साहब आप इससे सहमत भी होंगे। जी, ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे कहीं कोई डाउट नहीं है। दिस इज ए ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग चार्ट। खाली अपने परसेप्शन को ब्रेक करिए, कभी कभी लोग डाउट करते हैं, अगर इवन इफ यू डू थिंग्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने दिल से करते हैं, लेकिन फिर भी एक डाउट आ जाता है कि शायद अपने लिए आप सोच रहे हैं, वो एक माइनस जरूर है। आई एम टॉकिंग अबाउट परसेप्शन। तो स्माइल बना के रखिए, द मोमेंट यू बिकम सीरियस हो जाते हैं अगर आप, तो लोग डाउट करते हैं। उस खाली एक परसेप्शन को ब्रेक कर दीजिए, बहुत डीप मैनर में आपको मैं बता रहा हूं, अदरवाइज ये हॉरोस्कोप क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि यू आर ए वंडरफुल पर्सन एंड यू विल गेट रिकॉग्निशन एज पर योर लाइकिंग, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद भगवान की कृपा। राहु की दशा शुक्र की अंतर दशा चल रही है सर, राहु और शुक्र में, तो दिस इज अ टाइम ऑफ एंजॉयमेंट, यानी हर तरह का एंजॉयमेंट। अब तो आप मैरिड है, आपकी ऐसे तो लग ही रहा है, फिर भी थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, एंजॉय जरूर कराता है। और शुक्र देखिए ग्लैमर में है आप, इस ग्लैमर इंडस्ट्री में आपको रिकॉग्निशन दिलाएगा, और राहु आपका बहुत ही ज्यादा पावरफुल है मैंने देखा, और ये आपको बहुत कुछ कराएगा। खाली 4th हाउस में राहु क्या करता है जैन साहब, ये फियर इन माइंड दे देता है, तो अपने हौसले को बुलंद रखिए, वो खाली एक पॉजिटिव कर लीजिए, बाकी किसी भी नेगेटिव चीज को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। ये बात मैं क्लियरली देख रहा हूँ कि यू विल बी गेटिंग समथिंग वेरी बिग, द नंबर वन टाइम, चार साल जरूर है लेकिन वो 16 साल है जैन साहब, वो बृहस्पति की दशा है, आप जो चाहेंगे पूरी इंडस्ट्री आपके हिसाब से चलेगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो किस्मत के सितारे में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।